सो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसी है अपनी पब्लिक? काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो हाँ, तो भाई आए से ना, आज के बाद अपने ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे, क्योंकि काम वगैरह जितना भी था ना, सारा फिनिश कर दिया। सो गाइस, एक ब्लॉग मैंने पहले भी बनाया था, पर मेरे को उसको एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला और काफ़ी लेट हो गया था वो ब्लॉग, इसलिए मैंने वो ब्लॉग अपलोड नहीं किया। फिर मैंने उसके जो क्लिप्स वगैरह थे वो डिलीट ही कर दिए थे। तो आज फिर नया ब्लॉग बनाने आया हूँ। तो मतलब जो घर में ना सिस्टर की शादी थी, तो शादी वगैरह हो गई है ख़त्म, तो छोटे मोटे काम है अभी, तो वो भी निपटाए दिए। तो अब तो मैं पूरी कोशिश करूँगा ब्लॉग कंटिन्यू रखूँ, तो जितना हो सकता है उतना तो मैं करता ही हूँ। आपको पता ही है मतलब कितना ज़्यादा मुश्किल है यार ब्लॉग शूट करना, वो मुझे पता है। कि कुछ बंदे जब बोल रहे थे कि बस होगी तेरी, मतलब ब्लॉग तूने बंद कर दिए, मैंने कहा यार अब तुम्हें क्या बताऊँ मैं। अरे भैया क्या था ये, कुछ बंदे तो मुझे बोल रहे थे कि तूने ब्लॉग बंद कर दिए ये वो। फिर मैंने सोचा अपने मन में, मैंने कहा मुझे पता है कि मेरा क्या ही रीज़न है ब्लॉग बंद करने का। तो कभी भी ना किसी की बातों पर मत जाओ, किसी की बात सुन के अपना दिल छोटा मत करो। हर टाइम मतलब यही कोशिश करो कि मुझे करना है और खुद करना है खाली। हाँ, जो बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है उसकी सपोर्ट लो, बाकी अगर जो आपको मतलब हेट दे रहा है या मतलब आपको हेट करवा रहा है, तो उसको लो, उसकी बात को सुनो और इग्नोर कर दो, सुनो इग्नोर कर दो। उससे क्या होगा, अगर आप उसकी बात को दिल में लोगे ना, आप ना आपका मतलब आपका दिल ना थोड़ा महसूस जैसा हो जाएगा कि मतलब आपको ब्लॉग करने का मन ही नहीं करेगा, मतलब कुछ भी काम आप कर रहे हो ना, आपको वो करने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए फालतू बंदों की फालतू बातों को मैं इग्नोर ही करता हूँ। तो भाई जो मेरे फ्रेंड वगैरह हैं ना, मुझे उन्हीं की ज़रूरत है। तो भाई जब वो मुझे कुछ बोलेंगे तो तब मेरे को दिल पे लेने की ज़रूरत है। तो इसलिए ऐसे वैसे छोटे मोटे बंदों की बातों को दिल पे मत लिया करो। सो गाइस, पहले ना चलते हैं तरकुटा नगर वाली साइड, वहाँ पर थोड़ा बहुत काम है। तो उसके बाद ना अपनी स्कूटी को वॉश भी कराना है। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि स्कूटी की हालात क्या हुई है, जब से मतलब घर में शादी वगैरह चल रही है ना। अरे भाई क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, स्कूटी को वॉश कराने का ना टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो अरे अंकल जल्दी कराओ, सो जाओ। जब से अपने घर में ना काम वगैरह चल रहा है ना, तो स्कूटी मतलब इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है ना। अभी मैं आपको दिखाऊँगा जिस वक्त मैं ऊपर जाऊँगा इसको वॉश करने के लिए, पहले यहाँ पर जो काम है वो निपटा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं इसको वॉश करने। ये ना हो कि रात पड़ जाए यार। अरे भाई रेलवे में देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ वगैरह, लॉकडाउन में तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अरे सामने सामने पुलिस की वैन और यहाँ नाका लगता हुआ मास्क का। अजहर मास्क लगाया तूने? अजहर ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ और मेरे तो हेलमेट लगाई थी। अगर पकड़ लेते 500 का पोपट रन था आज हमारा, जो हमारे जेब में कुछ भी नहीं है भाई, पूरे कंगाल थे हम। कोई बात नहीं यार। तो गाइस पहले ना मतलब यहाँ से कुछ मेडिसिन वगैरह परचेज़ करनी है, मेडिसिन वगैरह परचेज़ करते हुए ना फिर हम निकलेंगे वॉश करवाने के लिए। तो उसके लिए सॉरी यार कि मतलब मैंने इनको बताया कि मेरा क्या ही रीज़न था व्लॉग लेट लाने का। भाई मतलब एक मिनट भी ना मेरे पास टाइम नहीं था, एक मिनट का भी टाइम नहीं था मेरे पास। अरे भैया, अरे हरे हरे हरे, रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ से लेनी पड़ेंगी अभी मेरे को मेडिसिन वगैरह, कोई मसला ही नहीं है। स्कूटी लगाने में कितनी दूर आ गया यार, आगे आगे सोचे तो आगे लगाऊंगा आगे लगाऊंगा आगे करते करते इधर, तो मिलते हैं वहाँ से वापस आने के बाद आपसे। सो गाइस सीन अभी कुछ ऐसा हो गया ना, दिन को यहाँ पे टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो अभी इन्होंने बताया कि मतलब उस वक्त इन्होंने टाइमिंग वगैरह दी थी कि आप 5:30 के टाइम आ जाओ ले जाना। तो अभी तो 6 बज गए थे, तो मैं 6 बजे आया, बोलते कि बोलो क्या, मैंने कहा टेस्ट है आपके पास, तो कहते किस नाम से, मैंने कहा इस नाम से, तो बोलते एक्चुअली हमारी मशीन ख़राब हो गई हुई है, उसकी वजह से कल मिलेंगे। तो भाई इतना बड़ा पॉपआउट हो गया। गाइस मैंने घर पर सोया हुआ था अभी, तो मतलब इतनी गहरी नींद पड़ी हुई थी ना, अभी मैं आपको अपना फ़ोन चेक करवाता हूँ, तो आप उस पर देखना कि मुझे कितनी कॉल्स वगैरह आई हैं।
देखो देख रही है ये सारा रेड रेड है, अभी भी कॉल आ रही है भाई। देखो भैया सही है अंकल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार। मतलब मेज़बान जानवर है ना यार, इनको जितना खिलाओ उतना कम है। तो मेज़बान जानवर ना किसी को बेचारे बोल सकते हैं तो ना कुछ कर सकते हैं, तो यही कर सकते हैं हम कि इनको जितना हो सकता है ना मेज़बान जानवरों की सेवा करो। अरे भैया बस इधर मुड़ रही है भाई भाई भाई, आज के बाद ना अपने ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे, तो आपको पता ही है क्या ही रीज़न था ब्लॉग नहीं आने का। तो अब हम सवाइज अब सीधा निकलते हैं हम स्कूटी को वॉशिंग वगैरह करने के लिए। तो वॉशिंग वगैरह आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं वॉशिंग वगैरह कहाँ कराऊंगा। तो स्कूटी की तो मैं कहता हूँ इतनी गंदी हालात हो गई है ना, वॉश अगर नहीं करेंगे तो उसके बिना कोई गुजारा नहीं है भाई। पहले हमें इसे आज वॉश ही करना है, तो उसके बाद करते हैं बाकी काम अपने। अरे रुक जा, अरे बहुत ही ज्यादा तेज भागती है ये। अब जितना हो सकता है ना व्लॉग कंटिन्यू रहेंगे एक चीज, दूसरी चीज ये रहेगी ना जितना हो सकता है व्लॉगिंग वगैरह दबा के करेंगे। तो मतलब शादी में भी मतलब कितने दिन लास्ट व्लॉग मैंने शायद एक हफ्ते शायद, सो गाइस लास्ट व्लॉग मैंने शायद 1 वीक पहले डाला है, शायद कंफर्म नहीं है, देखूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए जितना भी हो सकता है मतलब उसके बाद में आज व्लॉग डाल रहा हूँ ना, तो मतलब आपको पता ही है ज़्यादा नहीं तो मतलब हल्का सा वॉचिंग टाइम तो ऊपर हो गया होता। चलो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रहो, जिस तरह आप मुझे पिछली वीडियो में प्यार दिखाते रहे इस तरह इनमें भी दिखाना, और भाई जितना हो सकता है ना उतना ही प्यार दिखाओ, मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है। अगर मैं बोलूं कि नहीं यार अकेले खुद के दम पे करूंगा तो भाई वो नहीं हो सकता, तुम बंदों की मुझे ज़रूरत है। अब यहीं से हमें करानी है स्कूटी वॉश, तो थोड़ा ही आगे है। अरे भैया ये क्या अंकल, 1 2 3 अरे भाई ये क्या था, इतना ज्यादा रिस्क मत लो। एक स्कूटर पे 4 बंदे बिठाए हैं बंदे ने, देख रहे हो सामने। अरे भैया यहाँ से कराएंगे अपनी स्कूटी वॉश, चलो रे भाई। हाँ वॉश करनी है, और क्या फायदा मेरे इधर आने का, इधर इधर तूने पानी मारा ही नहीं, इसके अंदर छड़ी मिट्टी मिट्टी है, सूखा है, बजेगा इधर बजा देगा, फायदा क्या मेरा यहाँ आने का। सो गाइस यहाँ पे ना मैं अपनी मतलब कभी भी अगर स्कूटी वगैरह वॉश करानी है गाड़ी वगैरह तो मैं इसी जगह पे लाता था, और भी मतलब इसके पास में सर्विस स्टेशन वगैरह हैं, पर मुझे ये चीज़ यहाँ पे अच्छे लगते हैं यार। इस साइड से देखो क्या है, मतलब यहाँ के वर्कर वगैरह ना देखना अभी कितना प्यारा है। कितना टाइम लगेगा इसको, 5-10 मिनट में हो जाएगा, पॉलिश भी मारेगा। हमने ना अभी स्कूटी को पूरा वॉश वगैरह करवा दिया, पॉलिश वगैरह अपनी पूरी डन। तो मैं लगा था क्लिप शॉट करने मतलब पॉलिश करने के बाद वॉश करने के बाद कैसी लग रही थी, तो भाई वो हो नहीं पाया क्योंकि अंधेरा पड़ गया ना, उसकी वजह से क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो कोई बात नहीं, कल नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाई दूंगा कि क्या ही मतलब कितनी खतरनाक लग रही है। और हम अभी घुस चुके हैं यहाँ से रॉन्ग साइड, और रॉन्ग साइड निकलते निकलते कहीं हमारा पोपट ना हो जाए,
क्योंकि रॉन्ग साइड है, कुछ भी सीन हो सकता है, तो गलती हमारी ही मानी जाएगी। चाहे गलती सामने वाले की होगी ना, फिर भी गलती हमारी ही मानी जाएगी। तो भाई इसीलिए हम आराम से जाएंगे। सो गाइस इसीलिए हम आराम से जाएंगे क्योंकि पोपट वगैरह हो जाएगा हमारे साथ। तो भैया अरे इस अंकल की स्कूटी की लाइट ही नहीं है। अरे 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 जाने दो भाई। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं वापस अपनी सही रास्ते पे। आपको पता ही पीछे में रॉन्ग साइड चल रहा था ना, उसकी वजह से सीन हो सकता था। अरे 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 पोपट पोपट होते होते बचाते हैं हम। अरे ट्रैफिक भी यार काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है देखने को, पता नहीं क्या ही सीन है। आगे भी क्या यही सीन रहने वाला आने वाले टाइम में, तो ट्रैफिक वगैरह में ना रिस्क ही लगता है मुझे निकलना, तो कोई बात नहीं। अरे बोरी देख रहे हो कितने आराम से बैठी है। सही है, मुझे तो डर लगता है यार, मतलब अगर मैं अकेला है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में कि मैं पीछे इतना भारी मतलब 50 kg का तोड़ा पीछे रख के चलूँ ऑटोमेटिक चलेगा, वो सीन नहीं हो सकता मेरे को, तो डर ही लगता है गिरने विरने का। तो भाई गाड़ी का इंडिकेटर है और गाड़ी सीधी चल रही है, इंडिकेटर तो बंद कर लो। चलो रे अब ना हल्की हल्की अपनी स्कूटी में ना मॉडिफिकेशन भी देंगे, ज़्यादा नहीं ज़्यादा, मतलब मेरे को ना मैं एक जिस वक्त मैंने स्कूटी पहले ली थी ना, मैं उस वक्त भी उसको मॉडिफिकेशन कर सकता था, पर नहीं मेरे को मतलब पसंद ही नहीं है। जितनी मेरी स्कूटी सिंपल अच्छी लगती है ना, इतनी मेरे को मॉडिफिकेशन के साथ नहीं लगती है, पर कुछ चीज़ें इसमें कमी है, मतलब वो भी मुझे सिंपल ही लगेंगी। तो सेंसिटिव लुक होगी भाई, स्कूटी को वॉश करने के बाद पता नहीं बंदे ने सीट के ऊपर भी पॉलिश मार दी है, मैंने ब्रेक मारी ऐसे सीधा मेरे आगे बजाए। तो एक बार मेरे साथ भी यही सीन हुआ था, मैंने घर में अरे पीछे को बैठ। तो गाइस पता नहीं ऐसे पॉलिश मार दी इस पे, शायद पॉलिश किया उसने सीट पे। सो गाइस एक टाइम पहले भी ना, मतलब मैंने घर में ना स्कूटी वगैरह वॉश की थी ना, उसकी वजह से भी मैंने स्कूटी में पॉलिश मार दी। तो भाई क्या ही बताऊँ आपको, जैसे ब्रेक मारू ऊपर से नीचे, जैसे ब्रेक मारे पीछे वाला बंदा सीधा आगे आए, तो मुझे बोलता है ऐसा ब्रेक मारे, मैंने कहा मैं आहिस्ता मारू जोर से मारू तो आगे ही आएगा। तो वही सीन हो गया आज। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं वापस घर, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।